जोधपुर जिले में दो नवीन उप लोक सेवा केंद्र शाहगंज एवं गोपालपुर में प्रारंभ किए जा रहे हैं। साथ ही जिला रायसेन में 6 नवीन उप लोक सेवा केंद्र सांची, देवनगर, सुल्तानगंज, बमोरी, बारकच्छ एवं मंडीदीप में प्रारंभ किए जा रहे हैं। वो आम नागरिकों के लिए लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रारंभ कर दिया गया है, जिसके तहत प्रदेश के नागरिक न्यायिक आदेश की सत्यापित प्रति, नवीन प्रकरण दर्ज किया जाना, प्रकरण की स्थिति की जानकारी, संबंधित शुल्क का भुगतान जैसी न्यायालयीन सेवाएं आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब लोक सेवा केंद्रों से प्रदाय की जाने वाली सेवाओं के लिए जारी प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से नागरिकों को घर बैठे उपलब्ध होंगे। इस नई ऑनलाइन सुविधा से अब भूमि उपयोग का प्रमाण पत्र पाना आसान होगा। इस प्रणाली की सहायता से नागरिकों को विवरण वाले क्षेत्र का उपयोग प्रमाण ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। विद्युत ठेकेदारों को ऑनलाइन लाइसेंस की सुविधा इस प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। इच्छुक आवेदक एमपीई सर्विस पोर्टल के माध्यम से लाइसेंस आवेदन एवं शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अधिकृत विक्रेताओं को क्रय आदेश जारी कर संबंधित कार्यालय द्वारा सामग्री प्राप्त करने एवं संबंधित क्रय का भुगतान किए जाने आदि कार्यों का ऑनलाइन क्रियान्वयन ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। एमएलए एलडीएस पोर्टल के माध्यम से माननीय विधायकों द्वारा विधायक निधि से किए जाने वाले विकास कार्यों की संपूर्ण मॉनिटरिंग की जा सकेगी। साथ ही नागरिक अपने विधानसभा क्षेत्र सहित अन्य विधानसभा क्षेत्रों में किए जा रहे प्रगति सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों द्वारा मध्य प्रदेश शासन के कार्यालयों से वांछित सूचना प्राप्त। News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। सौदा संग होते उपचार। चले सब मन चले हाट बाजार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर वर्ष 2019 में शुरू की गई मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में ये योजना कारगर साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी हाट बाजारों में जाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार और दवा का वितरण करते हैं। 2 साल में राज्य के 10 लाख से ज्यादा ग्रामीण इस योजना से लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार योजना के तहत जिसे आसपास के ग्रामीण को बहुत ज्यादा लाभ हो रहा है। बाजार भी होता है, इलाज भी हल होता है। बाजार में हो गई इलाज की सब सुविधा। सेहत सुविधा पहुँचे द्वार। सेहत सुविधा पहुँचे द्वार। सोचे सब भूपेश सरकार। हाट बाजार। मंजिलें हो चाहे जितने पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हाय। अच्छा, मस्ती और मुझसे। कौन कहता है पनीर सीधा साधा होता है? ये ना तो सीधा है ना सादा।
चटपटा है। नया मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, स्पाइस इन्फ्यूज पनीर, खाओ कभी भी कहीं भी। मिल्क मैजिक हेल्दी क्यूब बाइट्स, पनीर पे अब मस्ती चढ़ गई। जैसे ही आप इसे जमा करेंगे ये संबंधित थाने में चला जाएगा और आपके मोबाइल पर तुरंत एक मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आप ये FIR सबमिट करते हैं वो FIR संबंधित थाने के थाना प्रभारी के पास पहुंच जाती है जो वेरीफाई करके तुरंत कार्रवाई शुरू कर देते हैं। 12 अगस्त 2021 को EFIR का ट्रायल रन पूरे मध्य प्रदेश में आरंभ किया गया। ट्रायल रन के दौरान पूरे प्रदेश से 431 मामले EFIR के माध्यम से दर्ज हुए। मेरी बाइक चोरी होने के कारण मैंने मोबाइल से ऑनलाइन रिपोर्ट करवाई, फिर थाने से मुझे दो दिन में मेरी बाइक मिल गई। मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूंगा कि ऑनलाइन FIR करें तो उसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती है। केवल 3 दिवस में ही आरोपी माल शुल्का के साथ गिरफ्तार किया गया। चोरी गया सामान चांदी की चूड़ी एवं चावल की बोरियां पुलिस द्वारा तत्काल रिकवर की है। फरियादी की प्रसन्नता का कारण घर बैठे ही FIR है। इसका चांदी की चूड़ी एवं चावल की बोरियां पुलिस द्वारा तत्काल रिकवर की गयी। फरियादी की प्रसन्नता का कारण घर बैठे ही FIR है। इसका समाज में बहुत अच्छा संदेश गया है और सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। EFIR जनसेवा में नई पहल, मध्य प्रदेश सरकार की पहल, समाधान त्वरित, सेवा सरल। विभिन्न विषयों पर केंद्रित वीडियो फिल्म का भी हम सभी ने अवलोकन किया और इसे देखकर हम कह सकते हैं कि निश्चित ही प्रदेश विकास के पथ पर बढ़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में। आदरणीय देवी एवं सज्जनों, विगत दिनों में एक अप्रत्याशित बीमारी ने अचानक से दस्तक देकर हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सा बदलाव ला दिया। हमारे बहुत से अपनों को हमसे छीन लिया और बहुत से बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया भी छिन गया। प्रदेश में COVID-19 के दौरान अनेक बच्चे उनके माता पिता की मृत्यु के कारण अनाथ हो गए। परिस्थितियां कुछ इस तरह निर्मित हुई कि उन बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए किसी भी तरह की सहायता उपलब्ध नहीं रही। यहां तक कि सगे संबंधी भी आर्थिक कठिनाइयों के कारण ऐसे बच्चों के भरण पोषण के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी विषम परिस्थितियों में प्रदेश के बेहद संवेदनशील नमस्कार, जय जोहार। का हाल है मैं आज मैं हाल आपको दिखाने जा रहा हूँ निर्वाचन आयोग में काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटरों का। आखिर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स वाकई में बेहाल हैं? आज मैं ये जानने की कोशिश करूँगा, मैं ये कोशिश करूँगा कि उन्हें क्यों लगता है कि उनके साथ जो है पक्षपात हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो आखिर दिक्कतें कहाँ हैं ये जानने की कोशिश करूँगा। मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ के जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो कि निर्वाचन में काम करते हैं उनका इन दिनों हाल क्या है। बातचीत की शुरुआत करता हूं। आपका नाम बताइए, कहां से हैं आप? धनंजय देवांगन, दुर्ग जिले से। सर दुर्ग से हैं? जी सर। अच्छा, कितने सालों से हैं आप? मैं 4 साल से यहां दुर्ग जिले में कार्यरत हूं। आपका काम क्या क्या है? मेरा काम मुख्यतः निर्वाचन कार्यालय में पदस्थ हूँ मैं, तहसील दुर्ग में, और निर्वाचन से संबंधित समस्त काम हमारे द्वारा किया जाता है। अच्छा, आप लोगों की ये शिकायत क्यों है कि आप लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है, न्याय नहीं हो रहा है? जी हाँ, यह शिकायत यह है कि जैसे हम लोग अभी डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर पदस्थ हैं और विगत 4 साल से हैं, और हमारी यह है आज कुछ मांगों के लेकर निर्वाचन आए हैं रायपुर में। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारी जो पदोन्नति है और समय मान वेतन है वो हमें प्रदाय किया जाए, और शासन के ऐसे कर और विभाग हैं जहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर को 10 साल बाद समय मान वेतन दिया जा रहा है या पदोन्नति दिया जा रहा है सहायक प्रोग्रामर के पद पर। यदि पदोन्नति के लिए पद रिक्त नहीं है तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें समय मान वेतन जो सभी नियमित डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको प्रदाय किया जाए। दूसरे विभागों के डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनको मिलता है? जी सर, ये मिल रहे हैं। आप लोगों को नहीं मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिल रहा सर। अच्छा, आप बता रहे हैं कि 10 साल में जो है पदोन्नति वाला है, तो अभी 10 साल हो गया क्या आप लोगों को? जी अभी नहीं है, अभी नहीं हुआ है। लेकिन हमारे निर्वाचन में कई ऐसे हमारे जो सीनियर हैं उनको मिल रहे हैं। सीनियर हैं मतलब 10 साल हो गया है लेकिन अभी तक उनको पदोन्नति नहीं मिला है, ना चैनल नहीं बनाया गया है अभी तक। अच्छा, तो इसमें अगर पदोन्नति नहीं होते तो फिर दिक्कत क्या है इसमें?
पदोन्नति नहीं हो रहा है तो नियम जो भर्ती नियम है उसमें संशोधन करने की आवश्यकता है, जिससे भर्ती नियम में क्या चीज़ें हैं? भर्ती नियम में ये है कि जो पदोन्नति चैनल बनाया जाए उसमें जो समय मान वेतन दिया जा रहा है उसमें जो त्रुटि है उसको सुधार किया जाए। सुधार करके जो सहायक प्रोग्रामर का जो पद होता है 10 साल बाद पदोन्नति के बाद चैनल के बाद, तो उसको 4300 ग्रेड पे में दिया जाए। मतलब आप लोगों के भर्ती नियम में ये चीज़ें हैं कि आप लोगों को डाटा एंट्री ऑपरेटर ही रखा जाएगा, आप लोगों को पदोन्नति नहीं हो सकती, ऐसा है? जी हाँ, ये आप लोग चाहते हैं कि इसको बदला जाए? जी है, इसमें संशोधन किया जाए सर। अच्छा, मतलब ये है कि अभी ये स्थिति है कि जहाँ आप भर्ती हुए उसी के साथ रिटायर हो जाए? जी हाँ, जिस पद पे हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर 20 साल काम करे, 25 साल काम करे, 30 साल काम करे। जी हाँ। अच्छा, वेतन में कोई दिक्कत है? वेतन ठीक है अभी? वेतन ठीक है, उसमें भी गड़बड़ी है। वेतन मान, समय वेतन मान, मतलब क्या चीज़ है वो? समय मान वेतन यह है सर कि जैसे हम अभी 2400 ग्रेड पे भर्ती हुए, तो 10 साल बाद जो समय मान वेतन है वो 2800 है, लेकिन अभी वर्तमान में निर्वाचन अति जो शासन का महत्वपूर्ण काम है, इसमें ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन प्लस कार्यालय ऑफिस काम तथा आवक जावक मतलब सभी तरह के कार्य डाटा ऑपरेटर के द्वारा किया जाता है। और हमारे जब से निर्वाचन में भर्ती हुई सर, अभी हमें तक किसी तरह का कोई सहायक जैसे कोई चपरासी की बात करें, वर्षा करें, प्रदेश सुखी और कोरोना जैसी महामारी को हम पूरी तरह से समाप्त कर पाए, तीसरी लहर ना आ पाए और प्रगति विकास जन कल्याण और स्वराज के पथ पर मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ता जाए। आज हमने सबसे पहले बेटियों की पूजा की है। मध्य प्रदेश में कोई भी शासकीय कार्यक्रम का प्रारंभ बेटियों की पूजा करके आरंभ होता है, ये कोरा कर्मकांड नहीं है। देवी की पूजा मतलब नारी का सम्मान। बेटी में मुझे हमेशा देवी ही दिखाई देती है, और सही अर्थों में अगर नवरात्रि मनाना है, हम मां की भक्ति करते हैं, तो हम सबको यह तय करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी, बहन और मां को हमेशा सम्मान मिलेगा। और इसलिए हम प्रतीकात्मक रूप में इस कार्यक्रम को सदैव करते हैं। हमारी धरती पर यह कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये केवल कहने के लिए नहीं है, यह हमारे दिल में है कि नहीं, यह हमारे हृदय में है कि नहीं। इसलिए नवरात्रि का सबसे बड़ा संदेश है मां बहन बेटी का मान और सम्मान, बेटा और बेटी को बराबर मानना, बेटियों को भी आगे बढ़ने के पूरे अवसर देना, उनकी सुरक्षा से लेकर शिक्षा तक उस सब का बेहतर प्रबंध करना। और मैं केवल भाषण के लिए नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ये मेरी वचनबद्धता है कि इन लक्ष्यों को राज्य शासन प्राप्त करे। मैं कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं समाज से भी अपील और आह्वान करता हूं कि वो भी इस दिशा में लगातार आगे बढ़े। नवरात्रि सचमुच में एनर्जी रीगेन करने का पर्व है। जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था तो 9 दिन मौन रहता था, मुख्यमंत्री रहने के बाद यह संभव नहीं है। किसी न किसी रूप में अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए तपस्या की, साधना की, उससे अपने आप को जोड़ने की जरूरत होती है। मैं नवरात्रि को उसी अर्थों में लेता हूं। लेकिन आज एक और सुखद संयोग है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने गवर्नेंस हेड के रूप में 20 साल पूरे किए हैं, 21वां वर्ष प्रारंभ हुआ है। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे, तब से विकास, जन कल्याण और स्वराज के एक महापर्व का प्रारंभ हुआ। पहले लगभग 13 वर्षों तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनने विकास का एक नया मॉडल दिया जो गुजरात मॉडल के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत
और एक शक्तिशाली भारत के निर्माण में वो जुटे हैं। उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत ने दसों दिशाओं में विकास किया है। अगर मैं ये कहूं कि मोदी जी जो सोचते हैं उसके हिसाब से वो सचमुच में विकास, जन कल्याण और स्वराज के त्रिवेणी संगम है। मैं आज विकास के का विस्तार से विवेचन नहीं करूंगा। जन कल्याण और स्वराज की उनकी योजनाएं जग जाहिर है, चाहे गरीबों को सस्ता राशन देना हो, इलाज की व्यवस्था करना हो, जैसा डॉक्टर प्रभुराम चौधरी कह रहे थे, गरीबों को पक्का मकान देना हो, हर घर शौचालय बनाना हो, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन हो, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो, किसानों के खाते में पैसा डालना हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, हर घर में नल जल से पानी पहुंचाना हो, एक नहीं अनेकों उपलब्धियां जो जन कल्याण के नाम पर दर्ज है। और उसके साथ साथ स्वराज, एक जमाना था जब प्रधानमंत्री कहते थे कि एक रुपया भेजते हैं और 15 ही पैसा पहुंचता है, लेकिन DBT जैसी पारदर्शी व्यवस्था बना के एक रुपया भेजें तो 1 रुपया पहुंचे, ये इंतजाम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अभी अब रुपे कार्ड और अब फिर उससे और आगे बढ़ के जो वाउचर की व्यवस्था है उससे और भी पारदर्शिता आएगी। इस अवसर पर हमने विचार किया कि अलग अलग दिन हम विकास की योजनाएं भी अपनी जनता के बीच में ले जाएं, जन कल्याण के काम भी संपन्न करें और उसके साथ साथ मध्य प्रदेश में स्वराज देने के लिए पहले भी हमने कई कदम उठाए हैं, आज उनके बारे में विस्तार से मैं चर्चा नहीं करूंगा। CM हेल्पलाइन हो, जन सुनवाई हो, समाधान ऑनलाइन हो, वन डे गवर्नेंस हो, मोबाइल गवर्नेंस हो, एक नहीं अनेकों कदम हमने पहले भी उठाए हैं। लोक सेवा केंद्र की अभी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब उससे और आगे का सोचना है और इसलिए कई तरह की व्यवस्थाएं भी आपने देखा, यहां लोकार्पण हुआ है, जनता को कुछ चीजें समर्पित की गई है, आपने देखा इसलिए मैं बता नहीं रहा। अब जैसे EFIR, थाना जाने थाने आज के युग में जाने की जरूरत क्या है, हर तरह की छोटी मोटी सेवाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तर में चक्कर लगाने की जरूरत क्या है। मेरे लिए स्वराज का मतलब है बिना सवे गवाए, बिना किसी परेशानी के, बिना कुछ लिए दिए, निश्चित समय सीमा में सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाए, ये मेरे लिए स्वराज है। और वो स्वराज मध्य प्रदेश की जनता को देने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। उसलिए आपने देखा अलग अलग सेवाएं, जिसमें EFIR, थाना जाए बिना अपने मोबाइल से आप FIR करें, त्वरित कार्रवाई प्रारंभ हो और जनता को राहत मिल जाए, ऐसी अनेकों सेवाएं आज यहां जनता को हमने समर्पित करने का प्रयास किया है। चूंकि आपने वीडियो में देखा है इसलिए मैं उन पर विस्तार से नहीं जा रहा। मध्य प्रदेश का विकास हमने सुनिश्चित किया है, कोरोना जैसी कड़की में भी विकास के कामों में धन की कमी नहीं आने दी है। मुझे बताते हुए गर्व है कि कोरोना के घोर संकट के काल में भी लगभग 40,000 करोड़ रुपया हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में खर्चा कर रहे हैं, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जन कल्याण की अनेकों योजनाएं, मैं विस्तार में जाऊंगा तो घंटों हो जाएंगे। आज ही अन्न उत्सव का भी हमारा कार्यक्रम है, गरीबों को सस्ता राशन, 1 रुपया किलो गेहूं चावल नमक देने से लेके प्रधानमंत्री द्वारा प्रदान किया जा रहा निःशुल्क राशन, एक नहीं अनेकों चीजें समाज के अलग अलग वर्ग को देने का भी काम। और आगे स्वराज के लिए कुछ चीजें हमने और सोची है, हमने ये तय किया है जो आगे हम करेंगे। नवजात शिशु के माता पिता को बच्चे के जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ जाति प्रमाण पत्र भी मिल जाए, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो। कई बार वो जाति प्रमाण पत्र लेने में पसीना आ जाते हैं, दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के हालत खराब हो जाती है, और इसलिए पैदा होते ही प्रमाण पत्र दे दिया जाए ताकि बाद में उन बच्चों को भटकना ना पड़े। हम लोगों ने अब तय किया है कि कुछ विशिष्ट नागरिक सेवाएं जैसे वाहनों का फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण,
वाहनों का रजिस्ट्रेशन, दस्तावेजों की प्रमाणित नकल, चलित मोबाइल टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, सीवेज सफाई, वाटर टैंक हेतु सेवाएं, ये निजी सेवा प्रदाताओं के माध्यम से भी प्रदान कर दी जाएगी। इसमें आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खसरे की कापी अगर लेना हो तो दफ्तर जाने की जरूरत क्या है, कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता क्या है? और इसलिए खसरे की कापी प्रति पेज सशुल्क केवल 10 रुपया में उनके रजिस्टर्ड व्हाट्सएप नंबर पर भेजने की सुविधा प्रदान कर दी जाएगी। 10 रुपया लगेगा, लेकिन उनके व्हाट्सएप नंबर पर ही यह सुविधा प्रारंभ हो जाएगी, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है। इसके साथ ही सभी विभागों में बिलों के समय पर भुगतान हेतु बिल पेमेंट भी ऑनलाइन कर दिए जाएंगे, जिससे आपको आने और जाने में जो समय लगाना पड़ता है उसकी बचत होगी। समस्त हितग्राही मूलक योजनाएं, उनके आवेदन से लेके हित लाभ वितरण तक, उनका लाभ प्राप्त करने तक या अंशदान देने की जो पूरी प्रक्रिया है वो भी अब ऑनलाइन कर दी जाएगी, ताकि योजना में हितग्राही चिन्हांकन और लाभ प्रदाय में पारदर्शिता को और बेहतर बनाया जा सके। उच्च शिक्षा विभाग के मतलब कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हम जो सुविधाएं देते हैं, जो सेवाएं देते हैं, जैसे काउंसलिंग, एडमिशन, स्कॉलरशिप आदि को एक वर्ष में पूर्णता ऑनलाइन करने की व्यवस्था कर दी जाएगी। उनको भी कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, वो सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। नागरिक सेवाएं जैसे आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, खसरा, भू अभिलेख, छात्रवृत्ति, पेंशन इत्यादि सेवाओं हेतु आवेदन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कू ऐप पर प्राप्त करके नागरिकों को बिना शासकीय कार्यालय आए चैट बोर्ड के माध्यम से संबंधित ऐप पर ही सेवा ऑनलाइन प्रदान कर दी जाएगी। लोक सेवा केंद्रों की अभी चर्चा हो रही थी, हमने उप लोक सेवा केंद्र भी अब खोलना प्रारंभ किए हैं, तो लोक सेवा केंद्रों का विस्तार अभी तहसील तक है। तहसील के नीचे अगर सुविधाओं का लाभ लेना हो तो उनको नहीं मिलता, उनको तहसील स्तर पर आना पड़ता है। इनका विस्तार आगे ग्राम पंचायत स्तर तक किया जाएगा। आने वाले एक साल में प्रत्येक ग्राम पंचायत जिसकी जनसंख्या 5000 से अधिक है, वहां उपलोक सेवा केंद्र स्थापित कर नागरिकों को उनके द्वार पर ही सभी नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि गांव के बाहर नागरिकों को ना जाना पड़े। एक और महत्वपूर्ण फैसला हमने किया है, प्रदेश में ई रूपी की व्यवस्था को ई बाउचर के रूप में। मैं एक घटना आपको सुनाना चाहता हूं। मेरे मन में ये आया कि हम बेटा बेटियों को साइकिल देते हैं, बेटियों को पहले देना शुरू की थी, फिर बेटों को भी देना शुरू की जो पढ़ने दूसरे गांव स्कूल जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि साइकिल खरीदने की झंझट से सरकार बचे, सीधे पैसा बच्चों के माता पिता के खाते में डाल दिया जाए, वो अपनी मर्जी की साइकिल खरीद लाए। पहले हम साइकिल देते थे खरीद के, जब ये व्यवस्था लागू की तो 2-1 साल बाद मैंने देखा साइकिलें दिखना सड़क पर कम हो गई, बेटियों का भी साइकिल पर बैठ के स्कूल जाना कम हो गया। मैंने कई जगह बेटियों को फिर पूछा कि पैसे तो हम भेज रहे हैं लेकिन साइकिल कहाँ है, तो मुझे उत्तर मिला कि पापा ने पैसा और कहीं खर्चा कर दिए, साइकिल नहीं खरीदी, निकाले और कहीं खर्चा कर दिए। और इसलिए हम अब एक व्यवस्था कर रहे हैं, वो है ई रूपी की व्यवस्था को ई बाउचर के रूप में लागू किया जाए। और इसमें अगर साइकिल के लिए पैसा जाएगा बाउचर के रूप में इस योजना के अंतर्गत, तो उससे केवल साइकिल ही खरीद पाएगा। अगर दूसरे काम में वो चाहेगा पैसा खर्च कर दें तो वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। ये डीबीटी के आगे का एक और कदम है, जिस काम के लिए आपको पैसा दिया जा रहा है आप उसी काम में उसको खर्च कर पाएंगे, ये हम सुनिश्चित करेंगे। और इसलिए आयुष्मान भारत के अंतर्गत मरीजों के उपचार की राशि हो या छात्रवृत्ति के भुगतान के लिए ई रूपी के माध्यम से सीधे हितग्राहियों को विशिष्ट प्रयोजन हेतु कैश बेनिफिट ट्रांसफर किया जा सकेगा।
सभी सरकारी भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन के संबंध में जो आज व्यवस्था है उसमें बहुत समय लग जाता है, अब केवल शपथ पत्र के आधार पर नियुक्ति भी दे दी जाएगी और ज्वाइनिंग भी करवा दी जाएगी ताकि अनावश्यक समय न लगे और परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री कोविड अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति के लिए जो पात्र हैं अब चले गए, उनके परिजन अनुकंपा नियुक्ति होनी है तो कई विभागों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं है, समस्या आती है, उनके लिए अतिरिक्त नए पदों का निर्माण कर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए जाएंगे ताकि ऐसे कोई भी हमारे साथी बिना नियुक्ति के ना रहें। हम 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आप लोग जो बैठे हैं उनमें से मुझे पता नहीं कितनों को इसकी जानकारी है, लेकिन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में जो राजस्व अभिलेख हैं उनका शुद्धिकरण जब तक नहीं होता तब तक वास्तव में उसका लाभ होता ही नहीं है, इसलिए 1 नवंबर से 15 नवंबर तक अभिलेख शुद्धिकरण पखवाड़ा आयोजित किया जाएगा। नवंबर माह में सभी हितग्राही मूलक योजनाओं की प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए और एंड टू एंड कंप्यूटराइजेशन के लिए अधिकारियों की हम 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन करेंगे। इसके पूर्व हितग्राहियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में फीडबैक लिया जाएगा और फीडबैक के आधार पर कार्यशाला में चर्चा कर योजनाओं की प्रक्रियाओं को बिजनेस प्रोसेस योजनाओं की प्रक्रिया की बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की जाएगी। 15 नवंबर से 15 जनवरी तक हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सभी हितग्राहियों को मिल रहा है ये अभियान चलाकर सुनिश्चित किया जाएगा। तो स्वराज के लिए ये कुछ सुनिश्चित प्रयास हमने आज के दिन से करने का फैसला किया है। आज मैं उन बेटा बेटियों को जिन्होंने कोविड के दौरान अपने माता पिताओं को खो दिया उनसे फिर ये अपील करना चाहता हूं कि वो अपने आप को अकेला ना समझे, वो मध्य प्रदेश के बेटे हैं, मध्य प्रदेश के बेटियां हैं, मामा उनके साथ है, ये समाज उनके साथ है, उनको हम अकेला नहीं रहने देंगे। 5,000 रुपया महीना उनको मिलेंगे, उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी और इसके साथ साथ निःशुल्क राशन इत्यादि सेवाएं भी उनको लगातार जारी रखी जाएगी। और मैं फिर इस मंच के माध्यम से उनको आश्वस्त करता हूं, कलेक्टर्स को निर्देशित करता हूं कि अपने अपने जिले में अधिकारी तय कर दीजिए ताकि महीने में एक बार उन बेटा बेटियों की ठीक देखभाल कर ले, उनकी शिक्षा और बाकी व्यवस्थाएं ठीक है कि नहीं इसको वो देख ले और जरा भी कहीं दिक्कत हो तो तत्काल उस दिक्कत को दूर करने का काम करें। हमारे वो बच्चे जो माता पिता दोनों को खो चुके हैं वो सुखी रहें, वो आगे बढ़ें, वो अकेलापन महसूस ना करें, ये मेरी भी जवाबदारी है और मध्य प्रदेश की भी जवाबदारी है, समाज की भी जवाबदारी है। एक बार फिर मैं नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं और एक बार आप सबका जीवन सुखी हो, आप निरोग रहें, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और अपना प्यारा मध्य प्रदेश आगे बढ़े। आत्मनिर्भर भारत के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएं, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। निश्चित ही आपके कुशल और सक्षम नेतृत्व में प्रदेश यूं ही विकास के नित नए सोपान चढ़ता रहेगा और प्रदेश के बेटा बेटी यूं ही आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। आदरणीय देवियों सज्जनों, कोविड महामारी के दौरान जिन बच्चों के माता पिता का साया उनके सर पे से छिन गया उन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ, नवीन स्वीकृति प्राप्त बाल हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र प्रदान करने का कष्ट करेंगे। इस क्रम में हम मंच पर सादर आमंत्रित करते हैं लक्ष्यदेव, भोपाल जिले से लक्ष्यदेव। माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन अतिथि स्वीकृति पत्र प्रदान कर रहे हैं लक्ष्यदेव को। मंच पर आमंत्रित हैं भोपाल जिले से ही अमान अली।
अब हम आमंत्रित कर रहे हैं रायसेन जिले से श्री सूरज वाजपेयी। अब हम मंच पर बुलाना चाहेंगे सीहोर जिले से सुंदर भाई। हम सब की तालियां हमारी सक्रिय सहभागिता को दर्शाती हैं, अपनी जीवंत उपस्थिति का परिचय तालियों के द्वारा जरूर कराएं। निश्चित ही प्रदेश को नई सौगातें मिल रही हैं और एक बहुत अच्छा पुनीत कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है, हार्दिक धन्यवाद। हम आपको बता दें कि प्रदेश में कोविड के कारण माता या पिता की मृत्यु होने से विषम परिस्थितियों में आए ऐसे 2022 बच्चे जो इस योजना अंतर्गत पात्रता में नहीं आ पाए हैं। जी सर, जी जी बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि बाकी जो बच्चे भी यहाँ पर इस प्रांगण में मौजूद हैं, उनको भी स्वीकृति पत्र का वितरण आज होना चाहिए और वे भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। वे 16 बच्चे और जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कि आज उन बच्चों को भी स्वीकृति पत्र का वितरण किया जाना चाहिए। निश्चित ही बहुत अच्छा कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से किया जा रहा है और हम चाहेंगे कि एक बार हम सबकी उपस्थिति, जीवंत उपस्थिति का हम प्रमाण दें और हम भी इस पुनीत कार्य में सहभागी बने अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से, जोरदार तालियों के माध्यम से। कुमारी इशिका मालवीय, कुमारी इशिका दुबे, श्री यासिर खान जी। इशिका मालवीय, माननीय मुख्यमंत्री जी, अब इशिका मालवीय, इशिका दुबे जी, श्री यासिर खान, तृप्ति शर्मा, सुषमा रैकवार, सुषमा रैकवार, श्री हर्ष नहाटा, रंजना राजभर, रंजना राजभर, किरण राजपूत, साबिया साबिया, कुमारी माविया, श्री विशाल कुशवाहा माविया, इस क्रम में है श्री विशाल कुशवाहा, श्री यश कुशवाहा, मंजू अहिरवार, यश कुशवाहा, मंजू अहिरवार, मंजू अहिरवार, प्रिया मालवीय, मंजू अहिरवार, प्रिया मालवीय, इल्मा शकील, अर्पित वर्मा और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया। आदरणीय देवीम सज्जनों, मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना अंतर्गत राज्य शासन के नियोजन में कार्यरत समस्त नियमित स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, तदर्थ संविदा, कलेक्टर दर, आउटसोर्स जी, मानदेय के रूप में कार्यरत शासकीय सेवक, कोविड संक्रमण से मृत्यु होने पर उनके परिवार के एक पात्र, एक सदस्य को योजना में विहित प्रावधान के अनुसार आज अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी अब कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस क्रम में सबसे पहले हम बुलाएंगे श्री राजेंद्र कुमार।
श्री राजेंद्र कुमार, श्री अजय वर्मा, श्री जुबेर खान, श्री राकेश श्रीवास, श्री लव कुमार बाथम, श्री विजय धारकर, श्री लव प्रसाद सूर्यवंशी, विजय धारकर, श्री लव प्रसाद सूर्यवंशी, श्री हर्षद पाल, श्री विजित मालवीय, श्री आलोक कौशल,